किसान भाइयों, फार्म ट्रैक 45 स्प्रे मशीन चला रहा है, बिल्कुल स्लोप है भाइयों, कोई हंटिंग नहीं है ट्रैक्टर में। सबसे बढ़िया नंबर वन ट्रैक्टर मेरी पसंद का ये है फार्म ट्रैक 45। मीटर बंद है भाइयों, हंटिंग नहीं है। अगर इस स्प्रे मशीन को हम अपने 245 पे चलावें तो 1000 चक्कर से कम नहीं चलेगा, जबकि ये सिलो पे चलती है भाइयों 1035 241 चला लेगा, लेकिन 45 नहीं चलाएगा, क्योंकि उसकी सिलो सही नहीं है। खुड़ुक 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 झटके मारेगा और झटके मारने से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये देखिए भाइयों, किसान स्प्रे कर रहे हैं, काफ़ी लंबा पाइप है इनके पास, ट्रैक्टर किनारे पे खड़ा है और यहाँ से ही सारा खेत कवर कर लिया इन्होंने। ये देखिए अभी तो पाइप बचा हुआ है भाइयों, ये देखिए बिल्कुल खेत बहुत लंबा है, वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे और बड़े आराम से कर रहे हैं ये। ये देखिए काफ़ी खेत लेके चल रहे हैं, कम से कम 6-7 खूड़ एक बार में लेके चल रहे हैं, बड़ी तसल्ली से स्प्रे हो रहा है भाइयों। ये तो अब किसान की ज़रूरत होगी, अब इसमें 3 आदमी लगे हैं, 2 तो पाइप खींच रहे हैं, एक आगे स्प्रे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करने में बहुत बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ किसान भाई, देखो वो स्प्रे कर रहे हैं, बहुत लंबा खेत है। ये मैसी 241 जा रहा है, गोले लेके, कल फैक्ट्री बंद हो जाएगी, शायद रात को हो जा, क्योंकि किसानों ने काम निपटा दिया। देखो चारों तरफ कहीं भी गन्ना नहीं रहा, किसानों ने सिर्फ बीज बीज रोक रखा है। इसमें लपेट आ जा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ लपेट आ जाओ, तो ये खोलना पड़ता होगा ना। चलो भाइयों, मैं अभी किसान भाई से थोड़ा पूछता हूँ। तो भैया एक बात बताओ, इसमें कौन कौन सी दवाई मिला रखी है आपने? इसमें इंसेक्टिसाइड है, डेसीज। कौन कौन सी, नाम क्या? डेसीज है इंसेक्टिसाइड को। अच्छा अच्छा, और फंगिसाइड है इसमें। अच्छा, ह्यूमिक एसिड मिलाया हुआ है। अच्छा, और उसमें जो है CGR मिलाया हुआ है। अच्छा, बायर का जो आता है। अच्छा, एथ्रेल नाम से, यही 4 दवाई मिला रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसमें NPK के पैकेट डाल दिए 2-4। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा वो है, 1-2 वाटर सोल्युबल जो आते हैं आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। अच्छा, वो भी मिला रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे अंदर ट्रैक्टर बाड़ते हैं उसमें तो गन्ना टूटता है, ये सिस्टम बढ़िया, किनारे पे खड़ा कर लो। हाँ ये सही है, ऐसे भी अच्छा है, तो 5 के पूरा आप आराम से। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा सा मैं मशीन की जानकारी दूंगा भाइयों आपको। ये भाइयों 500 लीटर की टैंक है इसकी, और देखो लिफ्ट पर लगी हुई है और बिल्कुल ट्रैक्टर पूरी स्लो पे चल रहा है। ये इसका पंप है जो इसको यहाँ से उठा के प्रेशर बना के पाइप में भेजता है। और भाई उनका 150 मीटर लंबा पाइप है जो ये खेत के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाता है। हाँ किसान मंडे रहे ना रोग वो जितनी दवाई आ गई उतने रोग बढ़ गए। वो तो देखो जी अब अपनी समझ है वे क्या करना है फिर वैसे ही कर दें। बढ़िया रोग की बात होगा सही कह रहे हमारे यहाँ रोग ज्यादा है तो नहीं जितने भी हम ज्यादा काम खर्चे बढ़ा रहे हैं उतने ही ज्यादा बीमारी आ रही है। बीमारी आ रही क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं ट्रैक्टर की बात करता हूँ भाइयों। फार्म ट्रैक आवाज़ की वजह से मुझे पसंद है। इसकी आवाज़ देखिए बिल्कुल स्लो पे ना हंटिंग कर रहा, क्या शानदार आवाज़ है, बिल्कुल एक सार आवाज़ है ट्रैक्टर की। मैं बुराई नहीं करता, अगर हमारे वाला 245 होता 50 HP तो इस मशीन को नहीं चला पाता क्योंकि तो वो 900 RPM से कम स्लो नहीं चलता, झटके मारता है। कंपनी को चाहिए उस इंजन को बदलें, 1035 सादा मैसी 241 तक ही मैसी के इंजन सही हैं, बाकी 45 तो बिल्कुल फेल है मेरी निगाह में। ताकत से कुछ नहीं होता, ताकत तो कबाड़ी में से ला के 50,000 का ट्रैक्टर महिंद्रा पे रख लो 90,000 में 90 पावर का बन जा 1,00,000 में, ना हंटिंग है ना कुछ है, ये क्या। तो किसान को 6-6.25 लाख का दे रहे हैं, किसानों को ठगा जा रहा है, किसान भोले भाले इन्हें पता नहीं है। तो मेरा कंपनी वालों से कहना है इसकी आवाज़ सुने, इंजन बदले, इनका चेंज करें, आयो हंटिंग इनकी ख़त्म करें। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसका। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, या जिनके पास मैसी 245 है 50 HP वाला, 40 वाला तो बढ़िया चलता है, 50 वाला है वो इस पे स्प्रे मशीन पे चला के देख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा। नमस्कार।